मैडम जरा संभल कर निशाना लगाइएगा, अगर आपका निशाना चूक गया तो मैं इस दुनिया से चूक जाऊंगा। हाँ जी जी मम्मी जी, फिर मेरी एक बीवी, 8 बच्चों और 3 पड़ोसनों का क्या होगा जी? नहीं नहीं नहीं, मैडम की ये बात है काबिले गौर। वैसे मैडम आपका निशाना अच्छा है, आर यू श्योर? ओके बाय। 660 एरिया थे, हाँ सिंगल बेड कन्वर्टेड डबल बेडरूम। एक्सक्यूज मी, तुमने फोन करू बाप का माल हो रहा है यो थारे, हैं? क्यों पीट दिया तेरे इसे? अरे पर मैडम मने सो काम मारा, ऐसे हूँ तो एजेंट छू, मगन भाई जगन भाई छगन भाई वागेला कमीशन काट के मैं पछी तुमने फोन करू। ओ पीटे पेशेंट, क्यों है तू? मैडम हमारा नाम है वीर बहादुर भादुरिया, आ जाओ बाहू में। मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये आपको अपनी बाहों में लेने की बात कर रहा है, मैं क्या मर गया हूँ? मेरा मतलब है मैडम के मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। ज्यादा जाना जबान ने दो गज लंबी बनाने की जरूरत ना है, वरना यही निपटा दूंगी मैं खड़े खड़े। और तू न मरने लेगा बाहों में, मैं यो बाहें जो है उखाड़ के ब्रेड की थैलियां चिपका दूंगी मैं यहाँ। नहीं 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 मैडम, आप समझ नहीं रही हैं बात को। अच्छा हम हो रहे ना समझ, और तू तो जो है घनी इंटेलिजेंस की कढ़ाई में तलावा कोपता हो रहा है तू। अरे ये मैं कहाँ आ गया, मैं तो FIR लिखवाने आया था पिटाई की, लेकिन यहाँ मैं खुद पिट रहा हूँ। आजा बाहों में। हाय मैडम मैडम मैडम, ये मेरा तकिया कलाम है, तकिया कलाम, पूछ लीजिए आप इससे। ये मगन भाई जगन भाई छगन भाई है ना, आजा बाहों में भाई। मैंने बाहों में ले लें बची, शांति हो जाती है इधर। ओ फिजिकल इंटीमेसी, मैटर बोलो। अब आपको क्या बताऊं मैडम? ना मन्ने ना बता, तू केटरी ना के अपने बता दे यहाँ क्यों आ गया, मूड आए। सॉरी मैडम, आप बात को समझ नहीं रही हैं। इन्होंने मुझे घंटा घर के पास एक मकान बेचा, अब मैं जब भी उस मकान से बाहर निकलता हूँ तो एक आदमी है वो कराटे चैंपियन, बहुत धोता है मुझे मैडम, बहुत मारता है। आ जा बाहू में। हाय कौ भाई बगीरे, नहीं यो किस प्रकार का घर भेज दिया तेने इसे, आदमी आके सूत जा रहे इसे दिन रात। अबे मने मने शू खबर मैडम, बोलो ना, वो तो एजेंट छू कमीशन काट के। अरे पर ऐसे कोई बेफालतू में विदाउट एनी यूज जो है कोई किसी ने क्यों यो ही मार जावे? अब मैडम अब आप जैसे लोग तो हर जगह होते ही है ना, उसमें क्या है। I will call him. I will call him. सज्जन सक्सेना, ताली मार के हुआ। भाई वो किस प्रकार की तेरे सज्जनता दिखाई है, और किस प्रकार की ताली बजा रहा तू कि दिन रात इसे बजा जावे? मैडम ये कमबख्त मारा यहाँ FIR लिखवाने आ गया मेरे खिलाफ, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ताली जो है ना वो एक हाथ से नहीं बजती, ताली मार के हुआ। नहीं वो थारे से किसने कह दी कि ताली ना बजा करे एक हाथ से? बेटा एक हाथ से ताली भी बजा करे और आवाज भी आवे। वो कैसे मैडम? बोले बज गई ताली और आई आवाज। देखो यार तुमने इसे क्यों मारा, जरा हमारी मैडम को साफ साफ बता दो, वरना अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की राक्षसनी। हाय मेरा मतलब है एक नंबर की दरिंदी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। देखिए 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 मैडम, आज तक मैंने जिसको जिसको भी मारा है ना उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन रहा है, हाँ ताली मार के। पर इसको मारने के पीछे क्या रीजन था? मेरी बहन, मैडम मेरी बहन, इस कमबख्त मारे ने मेरी बहन को छेड़ा मैडम, ताली मार के हूँ। नहीं मैडम नहीं, मैंने नहीं छेड़ा, बस मैं तो देखकर सिर्फ मुस्कुराया था मैडम, पर वो मेहता साहब की लड़की है ना कि इसकी बहन। आप पूछ सकते हैं क्यों मगन भाई जगन भाई छगन भाई वागेला, आ जा बाहों में। ओह ठंडा पड़ी जाए भाई तू आवे। इतना भाई मेरी नजर तो मेहता की बीवी पर रहती है, कमीशन काट के, और मेरी मेहता की लड़की पे। मारी वही तो मेरी बहन है, मुंह बोली बहन, अरे राखी बंधवाता हूँ उससे मैं ताली मार के।
आइए जरा इधर आइए। छोरी ने छेड़ा करा है तू? नहीं, मैं तो सिर्फ मुस्कुराया था बस। ऐसा है जी मैडम, यो आदमी जो है ना, यो आज के बाद ना ऐसा कोई काम ना करेगा, थारी बहन बेटी ने किसी ने ना छेड़ेगा, यो ऐसा कोई काम ना करेगा जिससे तैने तकलीफ हो, ना करेगा ना करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, और तू, मैं तन्ने वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद कतई जो है ना इस पे तू हाथ ना उठाएगा, ओके क्लियर? हाँ हाँ ठीक है मैडम। अरे अगर ये कमबख्त मारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इसकी पिटाई करने की? हाँ ताली मार के हूँ। એટલે રાજકોટમાં છે એને પ્લોટ 60,000 આપો ના? બોલો, ટાઇટલ ક્લિયર છે, બધું જ ક્લિયર, આપી દો ચેક પેમેન્ટ, ફૂલ ચેક પેમેન્ટ, બોલો પીછે હા હા ભાઈ ચાલો ને પાછળ ચાલો યાર સાહેબ સાહેબ દેખો દેખો સાહેબ કેસા મારા ઇસને મુજે આજ ફિર પીટા હૈ સાહેબ આજા પાઉં મેં मारे मना करने के बावजूद जो है तैने इस पे हाथ उठाया, पीट दिया इसको, बाप का माल है यो। मैडम आप इनसे पूछिए कि इन्होंने पिटने वाली हरकत ही क्यों की थी, ताली मार के। हाँ हाँ भाई, ये पिटने वाली हरकत तुमने क्यों की? अरे मैं बताता हूँ आपको, ये कमबख्त मारा जो है ना, ये सुबह सुबह पान खा के मेरी गाड़ी पे थूक रहा था, ताली मार के। नहीं 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 मैडम, मैंने इनकी कार पे नहीं थूका है, मैंने मेहता साहब की कार पे थूका है, पूछो इनसे क्यों। मगर भाई जगन भाई छगन भाई वगैरह आ जाओ आऊं मैं। अरे मैंने सो खबर भाई देखो मैं तो हमेश पटेल की गाड़ी पे थूकता हूँ कमीशन काट के। देखिए मैडम, मैंने थूका है लेकिन इसकी कार पे नहीं थूका है, मैंने मेहता साहब की कार पे थूका है। वो अलग बात है कि मेहता साहब की कार और इसकी कार का रंग एक है, सिल्वर, और मॉडल भी एक है, आजा भाव में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि तुम मेरी गाड़ी पे थूक रहे थे। मैडम मैडम अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि जो कुछ भी हुआ ना वो सब कंफ्यूजन में हुआ, ताली मार के। बेटा मैं जाना घनी देर से देख रही हूँ कि तू घने कंफ्यूजन लेवल पे चल रहा है तू। ऐसा है इससे पहले कि कंफ्यूजन में तू मारा जाए, निकल यहां से। हाँ ठीक है मैडम, चलो ना भाई, चलो धंधा करो, जाओ जाओ आओ आओ चलो पति गुड बाजू। हाँ जी जी मम्मी जी। Yes, coming. Looking bow heavy, chala chan, bhai. Na ye ga, niche kare nahi bhav. Ha. Barabar chhap tumhari baat. Chup karo yaar. Sab madam, madam kahan hai? Isne mujhe fir se pita, dekhiye. सदके जामा मेरे बलूंगड़िया, हुण की हो गया, हुण क्यों पिटके आ गया? यार तू बार बार उल्टे सीधे काम क्यों करता है जो बार बार पिटता है? तू बात सुन ले एक मेरी, अगर तूने दोबारा ऐसे किया ना तू मेरे गुस्से को नहीं जानता, मैं ना उल्टा लटका दूंगा, समझे? तू जानता नहीं है मेरे को मैं क्या हूं। ओल्ड इज गोल्ड, भूले बिसरे गीत, पांच फूल माला, दम निकल आएगा, चुप हो जा थोड़ी देर। ओके मैडम, मैडम आजा बाहू में, इसने मुझे फिर से पीटा मैडम, ये देखिए भाई। ऐसा है मिस्टर कुंग फू पांडा, वन क्वेश्चन फॉर यू भाई, शशांक बाली, अमित आर्यन, कीकू शारदा, मनोज संतोषी, यो सब नाम तन्ने कुछ फेमिलियर्स दिखे? मैडम वो तो पर भाई बेटा वो तो की तो बात यो हो रही है कि थारे पर तो हमने तभी इंक्वायरी बिठा दी थी जब तू फर्स्ट टाइम थाने में आया था, और इंक्वायरी की रिपोर्ट गुलगुले रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार ना वो सब लोग जो वो मकान खरीदते हैं जिसमें फिलहाल जो है यो बीर बहादुर रह रहा है, वो सारे लोगों को तू
पीटा करे। लेकिन मैडम ये उस आदमी को पीटता क्यों है जो वो मकान खरीदता है? आजा बाहू में। क्योंकि वो घर मैडम हो रहा है तू है ना, वो मैडम से क्वेश्चन पूछ रहा और जवाब तू दे रहा, इंटरप्रेटर हो रहा है तू क्यों? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की। अरे बोली है, बोली आप, तू बोल। अरे तो मैं विथ माय परमिशन तू बोल। सच तो ये है कि वो मकान इसके बाप का था जिसे धोखे से किसी ने हड़प लिया, और तब से ये हर उस आदमी का दुश्मन है जो उस मकान को खरीदता है, इसलिए जो भी उस मकान को खरीदता है उसे ये पीटता है और मारता है। और अब तुम किसी को भी नहीं पीटोगे, समझे? पीटूंगा, पीटूंगा मैं अब भी पीटूंगा, मैं हर उस इंसान को पीटूंगा जो उस घर में रहने के लिए आएगा। हाँ पीटूंगा मैं, आप क्या कर लेंगी मैडम? अरे मुझे आप जेल में डाल देंगी ना? डाल दो मुझे जेल में, डाल दो, लेकिन जेल से निकलूंगा ना, फिर पीटूंगा मैं, फिर पीटूंगा ताली मार के। अच्छा जो अगर यो बात हो रही है तो यो मकान एक बार फिर से बिकेगा बेटा। सच्ची? अरे मैं बिकवा दूं कमीशन काट के? मारे पकड़ा, चल 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 बेटा। जो थारे गुर्दे में दम हो तो कल रात 9:30 काला घोड़ा पार्किंग लॉट में आ जाइयो, वहां उस आदमी ने बुलवा के रखेंगे जो वो घर खरीदेगा। ओके? और अगर तैने अपनी माँ का दूध पिया है तुम्हारे सामने उस आदमी ने हाथ लगा के दिखा तू ताली मार के। हू हा मैडम, ये सब बाद में, पहले ये तो बताइए कि इस मकान को आप खरीदेगा कौन? तू। मैं अरे मैडम वो आदमी कराटे चैंपियन है मैडम, और मैं तो पराठे चैंपियन हूँ, वो मुझे पीट देगा मैडम, सूद देगा मुझे। बेटा ऐसा है, दिस इज टेस्टिंग टाइम, पुलिस की इज्जत जो है ना थारे हाथ में है, और तू लाइन ऑफ पंजाब। हाँ जी जी मम्मी जी। पंजाब का देसी घी जो है ना इसमें इंजेक्ट कर। ओके? रात भर सीरिंज चढ़ा इसने, मजबूत बना साले ने। बी प्रिपेयर्ड, टुमारो इज बिग डे। अरे कहाँ रह गई इंस्पेक्टर चौटाला, मुझे तो लगता है डर के भाग गई होगी। अरे इतना आसान थोड़ी है मुझसे लड़ना, ताली मार के। हाँ तो मैडम, वो इंसान कौन है जो उस घर में रहने वाला जिसने वो घर खरीद लिया है? ताली मार के। हुहा! हेलो हेलो, मुलायम सिंह गुलगुले। ओ तो अब ये नई चाल हा? आप चाहते हैं कि मैं इस वर्दी वाले हवलदार पे हाथ उठाऊं, ताली मार के हुआ, और आप एक नया केस बना के मुझे अंदर कर दें? अरे मैडम अगर इस हवलदार में दम है ना तो इसे कहो कि ये अपनी जाकर वर्दी उतार के आए और फिर मेरे साथ लड़े, ताली मार के हुआ। ओ हमारा अकबर एंथनी, ज्यादा जो है ना फिल्मी होने की कोई जरूरत ना है, ना कहां से लाएगा नया कॉस्ट्यूम? ही कॉस्ट्यूम नहीं है, ओके कैंसिल। तू इमेजिन कर ले कि इसने जो है शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी, क्यूट लग रहा है। चलो शुरू करो लड़ाई। अरे मैडम लेकिन बकअप बकअप। हाँ ठीक है चलो आ जाओ। ए Come on.
मैडम, बचा लीजिए। मम्मी जी गुलगुल को बचा लो जी, वरना आज ये खर्च हो जाएगा जी। मैडम आप हम दोनों के बीच में ना आए ताली मार के हुहा। चल हट। तो तू क्यों आया था अपने बाप और उस आदमी के बीच में जिसने थारे बाप से सारा घर हड़पा था? Yes! अरे मैडम मैं कैसे बीच में नहीं आता मैडम, वो मेरा बाप था जिसके साथ उसने धोखा किया था ताली मार के हुहा। तो यो भी मारा हवलदार से, मारा भाई से यो। दीदी इबागे की लड़ाई तन्ने मारे से लड़नी होगी। ठीक है मैडम, ओके, कम ऑन कम ऑन। ये है स्नेक इन द मंकी शैडो, और ये स्नेक और ये है टाइगर क्लॉ। चल हट, इससे तुम नहीं बच सकती। सज्जन थारा गुनेगार वो आदमी से जिसने थारे बाप से उसका घर हड़पा था, और तू उस गुनाह की सजा जो है ना तमाम उन लोगों ने दे रहा है जिन्होंने अपने खून पसीने मेहनत की कमाई से वो घर खरीदा है। अपने मन से यो नफरत का जहर निकाल दे, वरना एक दिन यो जहर तन्ने ही खा जाएगा, तन्ने ले डूबेगा, समझा? हाँ समझ गया मैडम, समझ गया। ये समझो निकाला और ये फेंक दिया। वीर बहादुर तुम उस घर में रह सकते हो आराम से, अब मैं तुम्हें कभी नहीं पीटूंगा, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। थैंक यू सज्जन भाई, थैंक यू। आराम से रहो, आराम से रहो, मुझे माफ कर देना। थैंक यू आराम से रहो। वाह मैडम, वाह। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। चलो मगन भाई, जगन भाई, छगन भाई वागेला आजा भाव में। ओला शांति थई जाए मने भाई। हाय हाय।